बेसिकली आज का टॉपिक हमारा होने वाला है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर के अंदर हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर के अंदर हम देखेंगे आज की बेसिक की नॉर्मल, जैसे कि पीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एआर क्या होता है, मेमोरी की साइज कितनी होती है, और जो एआर, आईआर, टीआर, डीए और एसी, ये क्या क्या होता है। तो हमारे पास पहला आ जाता है डीआर। डीआर का जो मतलब कि हम आगे जैसे यूनिट आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से रजिस्टर मान सकते हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज आएगा। तो एआर, डीआर का मतलब यहाँ पे हो गया डेटा रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एआर का मतलब डेटा रजिस्टर, एंड डेटा रजिस्टर है एआर। तो यहाँ पे जो डेटा रजिस्टर, तो रजिस्टर्स का काम क्या होता है, किसी भी तरीके से कोई भी अपने पास डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को होल्ड करने डेटा रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। तो डेटा को होल्ड करना है, जैसे डेटा को अपने पास उसमें रखना है किसी भी थोड़े बहुत टाइम के लिए, तो हम क्या लेंगे, डेटा रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं मेमोरी ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे ये जो डेटा, डी आर का मतलब अपन को समझ आएगा, डी आर का मतलब होता है डी का मतलब डेटा, आर का मतलब रजिस्टर। फिर आ जाता है सेकेंड नंबर पे ए आर, ये एग्जाम में अंदर शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है ए आर। अब लिखना पड़ता है कि ए आर क्या होता है, या ए आर को अपन एक बार डिफाइन कर देंगे भाई इसका, तो हमें क्या है कि एग्जामिनर भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि भाई ए आर का मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये अलग है। तो ए आर का मतलब ये क्या हो गया, एड्रेस रजिस्टर, जो क्या करता है, होल्ड करता है एड्रेस फॉर मेमोरी, मतलब मेमोरी के लिए एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। और ये क्या करता है, डेटा रजिस्टर करता है मेमोरी ऑपरेंड के लिए होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। ऑपरेंड मतलब ऑपरेंड भी एक तरीके से एड्रेस का ही काम करता है, ऑपरेंड भी एक तरीके से एड्रेस का काम करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये जो अपने पास दो पार्ट होते हैं, पहला होता है यहाँ पे जो पहला पार्ट होता है यहाँ, इसके क्या होता है, ऑप कोड होता है, ये ऑप कोड हो गया, ठीक है, ये ऑप कोड होता है। और जो लास्ट पीछे वाला क्या होता है, ये एड्रेस का काम करता है, या फिर एड्रेस, या फिर अपन ऑपरेंड यूज़ करते हैं इसमें जो सेकंड पार्ट होता है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट होता है डीआर, डीआर डेटा रजिस्टर कहाँ काम आ जाता है, इस जगह पे काम आ जाता है। और जो इसमें ऑपरेंड काम होता है डेटा रजिस्टर का, इस तरीके से। फिर अपन एआर का मतलब एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर का मतलब मेमोरी का जो एड्रेस है उसको होल्ड करने का काम क्या करता है, एड्रेस रजिस्टर। फिर आ जाता है एसी, एसी का मतलब क्या होगा, एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर भी एक तरीके से रजिस्टर होता है जो प्री प्रोसेसिंग काम में आता है। मतलब प्री प्रोसेसिंग में क्या करता है, प्रोसेसर जब भी रजिस्टर के जब कैल्यू को हम किसी पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करते हैं या उसमें डेटा को डालते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं। ए आर, ए आर क्या होता है, चौथा नंबर का ए आर, ए आर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये भी क्या करता है कि होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन में जो भी कोड मिला होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब कि इंस्ट्रक्शन की साइज, जैसे कि हमारे 16 बिट का साइज का कोई इंस्ट्रक्शन है, तो उस सिस्टम के अंदर उसकी वैल्यू या उसके एड्रेस को स्टोर करने का, या उसकी वैल्यू को इंस्ट्रक्शन के कोड को होल्ड करने का काम क्या करता है, ए आर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पाँचवें नंबर पर आता है पीसी। पीसी का फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम काउंटर। पीसी का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, जो भी क्या करता है कि होल्ड करता है एड्रेस, इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसका काम पीसी रजिस्टर करता है। पीसी रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर मतलब कि ये भी एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है जो कि पीसी काउंटर, जैसे कि अपन को नेक्स्ट नेक्स्ट कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है, तो उससे हम पीसी काउंटर मतलब एक काउंटर देते हैं, जिससे कि वो अपने जो नेक्स्ट आने वाली जो भी प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट कर सके। फिर आ जाता है टी आर, टी आर होता है टेम्प्रेरी रजिस्टर। ये भी क्या होता है, होल्ड करता है टेम्प्रेरी डेटा होता है उसको, टी आर मतलब टेम्प्रेरी रजिस्टर, जो टेम्प्रेरी मतलब अपन बेसिकली टी आर का यूज ना तो हम परमानेंट यूज करते हैं, टेम्प्रेरी मतलब एक पर्टिकुलर जब जरूरत होती है तब उस टाइम पे होल्ड करने के लिए पर टेम्प्रेरी रजिस्टर का यूज करते हैं, होल्ड डेटा, ठीक है। फिर ए आर पी आर, ए आर पी आर क्या होता है, इनपुट रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर, ए आर पी आर मतलब आई से इनपुट, पी आर प्रोग्राम रजिस्टर मान सकते हैं, या प्रोग्राम डायरेक्ट बोल सकते हैं इनपुट रजिस्टर, जो क्या करता है, हमारे पास जो भी कैरेक्टर दिया होता है, ये कैरेक्टर किसके फॉर्म में, यदि इनपुट के फॉर्म में है तो उसको होल्ड करने का काम क्या करता है, ए आर पी आर करता है। ओ टी आर होता है आउटपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर मतलब होल्ड करने का काम करता है, आउटपुट के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको होल्ड करने का काम क्या करता है, ओ टी आर। तो अपने पास 8 जो भी रजिस्टर्स आते हैं जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका यूज़ करने
करते हैं इसमें, जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर करते हैं, जैसे पीसी है, पीसी की साइज कहाँ से कहाँ से होती है, 0 से 11 तक, क्योंकि ये क्या कौन सा पार्ट होता है, ऑपरेंड का पार्ट होता है। इससे आगे का जैसे यहाँ पे जाएंगे, आगे का पार्ट क्या होता है, ऑपकोड होता है, ये पीसी का काम हो गया। एआर को हो गया एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर भी ये भी क्या करता है, मेमोरी एड्रेस का काम करता है, ये भी इसकी साइज, यहाँ की जो जो ऑपकोड की साइज है वो अलग होती है, ठीक है। फिर आज मेमोरी साइज कितनी होती है इसमें, जैसे अपने पास 16 बिट का कोई कोड है तो उसको 4096 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें मेमोरी की साइज पता चल जाएगी, ठीक है। एआर, एआर क्या होता है, इनपुट रजिस्टर, एआर मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होता है, तो इंस्ट्रक्शन की साइज कितनी होती है, कंप्लीट होती है 16 बिट की। तो यहाँ पे क्या कहता है, ये जो ओपकोड और जो यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट होता है, ये होता है इसका एड्रेस। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इंस्ट्रक्शन के रूप में मिल रहा होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है टी आर, टी आर क्या होता है, इसकी भी एक तरीके से यही ए आर की तरह ही होता है, लेकिन हम इसके लिए हम क्या करते हैं, ए आर की जगह टी आर यूज़ करते हैं। टी आर क्या होता है, टेम्परेरी रजिस्टर, किसी को भी हमें टेम्परेली डेटा स्टोर करना है तो हम टी आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ओ टी आर, ओ टी आर क्या होता है कि अपने पास आउटपुट रजिस्टर, जो ओ टी मतलब ओ टी का मतलब आउटपुट, आर का मतलब रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, इसकी साइज कितनी होती है, 0 से 7 बिट की इसकी साइज होती है। फिर आई एन आर, आई एन पी आर, आई एन पी आर इसकी भी इसके बराबर साइज होती है, लेकिन ये इनपुट के लिए काम करता है और ये हमारे लिए आउटपुट के लिए काम करता है, ठीक है। फिर आ जाता है डी आर, डी आर क्या होता है, डी आर मतलब होता है डेटा रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, डेटा भी रजिस्टर, जो भी रजिस्टर होगा उसकी साइज 16 बिट होगी, उसमें भी क्या होगा, ऑपकोड और एड्रेस होगा, तो ये इसकी साइज 15 होती है, जैसे ये सब ये 15 16 साइज 15 16 साइज का होता है। फिर आता है एसी, एसी क्या होता है, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर होता है जो कि डेटा को होल्ड करने का काम करता है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, एसी का यूज़ करते हैं। अगर तो आज की वीडियो में इतना ही, अपन आज पढ़ चुके हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर। थैंक यू, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ और चैनल का ग्रो अच्छे से हो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हम वीडियो और बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।